पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल सक्सेस रोजगार में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, बिहार में नई भर्ती आ चुकी है, 2024 की भर्ती है, जिसमें आपको बता दें कि बिहार में 12 दिनों के अंदर 20 प्रकार की भर्ती यहां पे देखने को मिल रही है। और यहां पे बिहार सरकार की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यहाँ पर कोई प्राइवेट भर्ती की बात नहीं कही गई है, यहाँ पर ओनली फॉर सरकारी नौकरी है। और आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि इसमें 12 दिनों के अंदर वो कौन कौन सी भर्ती आई हुई है, किस किस विभाग के अंतर्गत भर्ती हुई है, कितना पद है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, वो सभी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि अलग अलग विभागों में ये भर्ती है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस विभाग के बारे में कि कौन कौन से विभाग है और इसमें किस तरीके से आप सभी लोगों को जानकारी मिल पाएगी। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 20 सीटों का, जो कि यहाँ पे 20 विभागों का नोटिफिकेशन है मेरे पास, और यहाँ पे पूरा वेबसाइट पे ऑफिशियली जारी किया गया है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पाएंगे। और यहाँ पे जो डेटा आप सभी लोगों को दिखाया जा रहा है वो 15 जुलाई से लेकर 27 जुलाई के बीच में आप सभी लोगों को दिखाया जा रहा है। ये जो वैकेंसी है, रिक्रूटमेंट सेक्शन है, ये सभी चीज़ें आप कैसे चेक कर पाएंगे वो आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। सो दोस्तों आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, और किसी भी तरीके का डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिल जाएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट या सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है गूगल में या गूगल क्रोम को ओपन करना है, और वहां पे आपको ये वेबसाइट को ओपन करना है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, eadvtprd.bihar.gov.in। इस वेबसाइट को आपको सिंपली सा ओपन करना है, और ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने शो होगा, और यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने शो होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आप देख पा रहे होंगे कि सर्च ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्ट, यहाँ पे आपको सिंपली सा सर्च करना है। सर्च क्या करना है, तो सर्च पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने डिपार्टमेंट टाइप, FY, डेट ऑफ पब्लिकेशन, PR नंबर, यहाँ पे सभी चीज़ें आपके सामने शो करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो टाइप करना है वो टाइप पे आपको सेलेक्ट करना है। टाइप पे जैसे सिलेक्ट करेंगे दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे फ्रॉम डेट जो पूछ रहा है और टू डेट, तो यहाँ पे आपको जिस डेट से जिस डेट तक आपको चेक करना है वो यहाँ पे सिंपली सा सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो सिलेक्ट किया था वो 15 जुलाई था, जो कि यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे 15 जुलाई को सिलेक्ट कर लिया, और इसके बाद आज जो है 27 जुलाई है, तो 27 जुलाई को मैं सिलेक्ट किया। और सिलेक्ट टाइप पे जाएंगे, और सिलेक्ट टाइप पे जाने के बाद रिक्रूटमेंट सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। रिक्रूटमेंट सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, सिंपली सा इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे सर्च करेंगे आपके सामने जो कि इसमें 20 तरह के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और 20 तरह के यहाँ पे विभाग के बारे में जानकारी दिया गया है, जो यहाँ पे आप विभाग का नाम देख सकते हैं, IPRD नंबर देख सकते हैं, और ये कितने तारीख को जारी किया गया है वो देख सकते हैं। और यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन आपको शो कर रहा है। सो यहाँ पे सभी वो वैकेंसी आपको सामने शो कर देगा जो वैकेंसी अभी बिहार में चल रही है और ये वैकेंसी आई हुई है। सो इस तरह से आप अपने डिस्ट्रिक्ट का भी चाहे तो चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे जिला वाइज जो भी भर्ती को आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से भर्ती अभी चल रही है बिहार में इस डेट तक। सो यहाँ पे हमने आपको पूरा डेटा ऑलरेडी शो करके दिखा दिया है। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको किस चीज़ का डेटा देखना है, और कौन सी वैकेंसी अभी आई हुई है उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको कंटेंट देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे बेसिकली बात करें, जिला परिषद दरभंगा की है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पटना की है, जिला परिषद सारण की है, छपरा जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बक्सर के अंतर्गत भी नोटिफिकेशन जारी किया गया, मतलब बहुत सारे नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो हम एक नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे पब्लिश्ड मैटर और डिटेल मैटर जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि दो तरीके का यहाँ पे बेसिकली नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन को हमने डाउनलोड किया, तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ बिहार ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बक्सर, जो कि सबसे टॉप पे जो बक्सर का था तो उसी को हमने ओपन कर लिया, और यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड किया गया है इससे रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है वॉक इन इंटरव्यू फॉर योगा ट्रेनर या
काउंसलर यानी योगा ट्रेनर और काउंसलर के लिए वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें पोस्ट नेम की बात करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे तो योगा ट्रेनर और काउंसलर की है, जिसमें एक पोस्ट है और इसके लिए आपको पर मंथ जो सैलरी प्रोवाइड किए जाएंगे वो 10,000 है मैक्सिमम। डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ इंटरव्यू जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 12/8/2024 को टाइम 11 AM में आपको ऑन वार्ड्स जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑन वार्ड्स वेन्यू फैकल्टी लॉन्ग GEC बक्सर में यहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है इस एड्रेस पे, और यहाँ पे 12/8/2024 को होगा 11 AM में जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। एंगेजमेंट ऑफ द ऑफ ड्यूटी जो कि यहाँ पे देख सकते हैं तो ट्वाइस इन अ वीक फॉर 4 hours 2 hours फॉर ईच सेशन यहाँ पे बताया गया है। इससे रिलेटेड यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए तो यूजी या पीजी इन योगा यानी कि योगा में आपका यूजी या पीजी होना चाहिए। कैंडिडेट विथ एक्सपीरियंस इन काउंसलिंग एक्टिविटी विल भी प्रेफर जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शन है इससे रिलेटेड, तो आप इसको रीड कर सकते हैं जो कि यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी अगर कोई भी वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे डिटेल मैटर जो कि दिया गया है इसमें यहाँ पे डाउनलोड वाला सेक्शन है, इसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। पब्लिश्ड मैटर मतलब किस मैटर में पब्लिश किया गया है उससे रिलेटेड अगर जानकारी चाहिए तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे जो है डिटेल्स देखना रहता है तो मैं यहाँ पे डिटेल्स वाला सेक्शन को डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर आप सभी लोगों को कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करा देता हूँ। सो आशा करते हैं आपको कंप्लीट जानकारी मिल गया होगा आज की इस वीडियो में, और आप अपने डिस्ट्रिक्ट का भी वैकेंसी चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ किस डेट में कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है वो भी जानकारी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट काफ़ी काम की है, इस वेबसाइट को आप पिन करके रख सकते हैं, इस वेबसाइट को आप डे टू डे चेक करते रह सकते हैं, आपको वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने हमारे साथ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल, थैंक यू सो मच दोस्तों।